हाय फ्रेंड्स, एक बार एक लड़का डॉल लेने गया। मार्केट में जाते ही उसे एक अच्छी सी डॉल की दुकान दिख गई। वहाँ दुकान में 3 डॉल रखी हुई थी। वो दिखने में तो सेम थी। लड़के ने पूछा कि भैया ये डॉल कितने में दी? तो फर्स्ट डॉल को देख के दुकानदार ने बोला कि साहब ये 10 रुपये की है। उसने बोला ये दूसरी वाली भी 10 रुपये की होगी? उन्होंने बोला नहीं सर, ये 10 की है, ये 50 की है और एक ये जो लास्ट वाली डॉल है वो 1000 रुपये की है। तीनों डॉल दिखने में सेम थी। लड़का कंफ्यूज हुआ। उसने दुकानदार से पूछा कि अगर दिखने में सेम है तो इसका प्राइस इतना डिफरेंट क्यों है? दुकानदार ने बताया सर, ये जो एक फर्स्ट डॉल है ना, उसके कान में अगर आप धागा डालो तो वो अंदर नहीं जाएगा। जो दूसरी डॉल है उसके कान में धागा डालोगे तो वो मुँह से बाहर निकल जाता है। और जो तीसरी डॉल है उसके कान में अगर आप धागा डालते हो तो वो कहीं से बाहर नहीं निकलता। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। हम हमारी वैल्यू तभी बना सकते हैं जब हम इस एग्जांपल को अपनी लाइफ में ले। अगर आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हो तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, आपका वैल्यू भी नहीं करेगा। अगर आप किसी की बात सुनते हो और सबको जाके बता देते हो तो समझना कि सब आएंगे तो सही, लेकिन आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो जान जाएगी कि इसको बात कहने की कोई मतलब ही नहीं है। और जो लास्ट वाली डॉल थी, अगर उसकी तरह बनोगे कि सुनो सबकी लेकिन वो बात कहो किसी को नहीं, सबके सीक्रेट्स आप रख सकते हो, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लाइफ में ऐसे ही इंसान बनो कि वो सबकी सुनेगा लेकिन यहाँ की बात वहाँ नहीं करेगा। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।